जो पांडे क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग फिजिक्स का पेपर जो अभी डिस्कस हुआ है, आज पेपर आप लोगों ने जो दिया है उस पेपर का हम लोग सोल्यूशन करने चल रहे हैं। तो फिजिक्स के मॉडल पेपर का सोल्यूशन आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर एंड मेनी मोर थिंग्स। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था आज के सेक्शन में, अ मैन स्लाइडिंग डाउन ऑन द टेलीग्राफिक पोल विद एन एक्सिलरेशन इक्वल टू 1/4 ऑफ द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन द मैन एंड द पोल इज इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ मैंस वेट। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें हम लोगों से पूछा है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वो अगर हम लोगों को लेना हो, अगर कंसीडर करना हो, तो सपोज दैट कि एक हम लोग को ड्रॉ करना है। हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास पोल है, इस पोल पे अगर कोई भी हमारे पास ब्लॉक होगा, अगर कोई मान लो जैसे हमारे पास ये आदमी है और ये आदमी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिसलेगा, तो इस पर वेट कितना लगेगा mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास आएगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो आएगा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। क्या आएगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने कहा कि देखो, अगर हम लोग ये कहें फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स F है, अब ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये किधर आ रहा है? नीचे ही आ रहा है, लेकिन एक्सिलरेशन A इज इक्वल टू क्या है? g/4। अब बताओ, हम लोग ये जानते हैं न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सिलरेशन होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। तो मान लिया जाए कि मास इसका m है और ये एक्सिलरेशन है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा mg - F, और एफ नेट जो है हमारे पास क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, तो mg - F। अब बताइए, हमारे पास F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? देखिए, एम जी की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, एम ए की वैल्यू रख सकते हैं g/4, और इज इक्वल टू mg - F, और F इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए इसको इस डायरेक्शन में लाएंगे तो ये आ जाएगा 3mg/4, और ये हो जाएगा 3w/4, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी हमारे पास जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सेम एक्सेलरेशन पर ही है, तो एक्सेलरेशन क्या कह रहा है? देखिए, टू मासेस 5 kg एंड 10 kg आर कनेक्टेड टू अ पुली एज शोन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इन द सेट फ्री। अगर हम लोग इसको फ्री छोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखो भाई, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास हमारे पास कम है, और इसका मास अगर कम है और इसका मास ज़्यादा है, तो ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये अपवर्ड ऊपर ये एक्सेलरेशन जाएगा, तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? तो एफ नेट जो काम करेगा बच्चा लोग, वो हम लोग जानते हैं 10g - 5g, और एक्सेलरेशन यानी ए इज इक्वल टू एफ नेट, यानी हमारे पास हो जाएगा 5g, ये आ गया 5g डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल मास। टोटल मास कितना है? 5 + 10, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 5g/15, यानी ए इज इक्वल टू आ गया g/3। सिंपल सा है क्वेश्चन, और इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन आता है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोगों से बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और बड़े क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो उसके सॉल्यूशन और उसका हम लोग आंसर आराम से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली। 4 kg ऑफ मास इज अटैच टू द टेबल बाय द अनदर स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग T1, यानी हम लोग को ये T1 स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है कि ये T1 में टेंशन कितना होगा। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर 6 kg है, अगर ये नहीं होता और ये फिक्स होता तो 6 kg के बराबर होता। अब बताओ, अगर ये मास हमारे पास यहाँ पर फिक्स है तो इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा। इसका प्रोसीजर हम लोग दो प्रोसीजर से करेंगे। हम लोग पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो हमने कहा कि कहीं पर भी कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, और नेट एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो टेंशन, अगर हम लोग 6 kg का अगर बात करें तो 6g नीचे काम करेगा, ऊपर काम करेगा टेंशन T, एक्सेलरेशन 0 है, तो T इज टू किसके बराबर आ गया? 6g के बराबर। लेकिन हमसे तो T1 पूछा है सर। अब हमने कहा कि ठीक है भाई, 6g आ गया। अब हम लोग M का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो M पर हमारे पास ऊपर काम करेगा 6g, नीचे क्या काम करेगा बच्चा?
हमारे पास इसका वेट काम करेगा 4G और एक टेंशन T1 काम करेगा। और नेट फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड है यहाँ पर, और ये रस्सी हमारे पास टूट नहीं सकती, टूट जाएगी तो फिर अलग चीज़ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको बताइए, ये हमने कह दिया कि अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, हमने कह दिया कि अपवर्ड फोर्स केवल 6 है। तो 6G - 4G + T1, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2G के बराबर, और G का वैल्यू हम लोगों को 10 लेना है या 9 लेना है, तो हम लोग ले आ सकते हैं T1 इज इक्वल टू 9.8, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 19.6 न्यूटन। ये क्लियर टू एवरीवन और नॉट, एक्सप्लेनेशन में देखिए हमने थोड़ा शॉर्ट किया है। अब बताओ, देखो एकदम सिंपल सा, अगर हम लोग कह देते इस चीज़ को, अगर हमें सिंपली ऐसे देखना होता बच्चा लोग, तो हम लोग ऐसे भी तो देख सकते थे ना। देखो यहाँ पर 6 kg का है मास, कितना है 6 kg, यहाँ पर हमारे पास 4 kg है, तो 6 kg वाला इसको खींचने का कोशिश करेगा और 4 kg इधर भी खींचने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पर केवल नेट 2 kg हो जाएगा। तो 2 kg यानी हमारे पास 2 kg से आंसर आ जाता है, यानी 19.6 न्यूटन आ जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अब हमने कहा कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए भैया, एक हमारे पास है, हमें ब्लॉक दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमने कह दिया कि मान लो थोड़ा दूसरा हम लोग कलर लेकर के चल रहे हैं, हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास कोई ब्लॉक है और इस पर फोर्स F लग रहा है और यहाँ पर कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, तो ये बताइए इसमें हमारे पास वेट कितना लगेगा। अगर G का वैल्यू मैंने 10 ले लिया, तो G का वैल्यू अगर हमने 10 ले लिया, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं होता है। 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, तो इधर कितना लगेगा हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम लोग कभी भी फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन हो जाएगा, म्यू 0.2 × 20, यानी हमारे पास कितना हो गया 4 न्यूटन। अब हम लोग को बातचीत करना है, देखो मिनिमम फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, अगर 4 न्यूटन लग रहा होगा तो स्लाइड होगा, यानी हमारे पास मिनिमम के लिए फोर्स यानी ए का सेकेंड ऑप्शन होगा। तो ए का सेकेंड ऑप्शन देखो, पहले ही सेलेक्ट करते ही ए का सेकेंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया है, तो हमारे पास ए के लिए चौथा तो आ गया, लेकिन हम लोग सबको देखेंगे। अगर हमने कहा कि इफ 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, कितना न्यूटन अप्लाई हो जाए 6 न्यूटन, तो इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है 4, तो 2 न्यूटन हमारे पास एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। और अगर एफ नेट इज इक्वल टू 2 न्यूटन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास मास 2 kg × acceleration यानी 2N, तो हम लोग कह देंगे एक्सिलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 m² s², यानी हमारे पास एक्सिलरेशन आ जाएगा 1 यूनिट। SI यूनिट में दिया तो एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, यानी हमारे पास बी का फोर्थ हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 3 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे बच्चा लोग, यहाँ पर अगर 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो 4 न्यूटन तो लिमिटिंग है, तो 4 न्यूटन का फोर्स अगर लिमिटिंग फोर्स है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर काम करेगा, मोशन ही नहीं कर पाएगा। कह रहा है कि भैया देखो, जब तक तुम 4 न्यूटन का फोर्स नहीं दोगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, चलो मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तब हमारे तब इस केस में जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 3 न्यूटन का होगा, यानी सी का फर्स्ट हो गया, ये भी हो गया। अब देखो डी, एफ इज इक्वल टू 8 न्यूटन द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, अब अगर एफ हमारे पास F जो है वो 6 न्यूटन का हो जाए, 8 न्यूटन का हो जाएगा, तो F नेट कितना हो जाएगा भाई, 4 न्यूटन तो फ्रिक्शन में चला गया, तो 8 - 4 = 4 न्यूटन। अब बताओ 4 न्यूटन का फोर्स अगर ब्लॉक पर काम कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन मास 2 kg है, तो A इजिक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 m² s², यानी 2 न्यूटन यानी थर्ड हो गया, यानी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो गया। पहले ही ऑप्शन से हमारे पास ये हो गया था, कभी कभी क्वेश्चन होते हैं लेकिन फिर भी आपको चारों मैच करने होते हैं, क्योंकि कभी कभी दिक्कत ये हो जाता है कि एक अगर ऑप्शन हमारे पास सही हो जा रहा है, तो उसके बाद दूसरे में अगर कुछ गड़बड़ होगा तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, ए ब्लॉक इज केप्ट ओवर द डिस्क ऑफ द एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द ब्लॉक इज म्यू। इन दोनों के बीच में हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। द ब्लॉक इज अटैच टू द सेंटर ऑफ द डिस्क बाई रोटेटिंग एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, द वैल्यू ऑफ आर एबव विच द स्ट्रिंग रिमेंस टॉट। मतलब एकदम टाइट रहना चाहिए, एकदम टाइट नहीं, जस्ट टाइट होने की हमें केवल कंडीशन निकालनी है। तो जस्ट टाइट होने का मतलब कि वो
टेंशन में तो हो, मतलब तनी हुई तो हो, लेकिन उसमें टेंशन फोर्स का वैल्यू जीरो हो। ये क्या मतलब है? हमने कहा कि अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा लगेगा तो टेंशन होने लगेगा। देखो कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा डांट दो किसी को तो वो अपना काम नहीं करता है, लेकिन एक ऐसी डांट जिसके बाद एकदम तुरंत मोशन होना स्टार्ट हो जाए, वही हमारे पास एकदम मिनिमम कंडीशन की बात कर रहा है। तो देखो, कोई भी चीज़ अगर कहीं रोटेट करता है तो उस पर कोई रखी हुई बॉडी होगी तो उस पर एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा जो कि बाहर की तरफ काम करता है। उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है हमारे पास? अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, बच्चा लोग फ्री बॉडी डायग्राम, अगर ये ब्लॉक है हमारे पास, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्स का हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बातचीत करेंगे केवल हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। तो हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा? म्यू इंटू एन। अच्छा देखो, एन की जरूरत पड़ गई तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एम जी है। हमने कहा कि ठीक है देख लेंगे। और ये टेंशन काम करता, लेकिन मिनिमम हमें चाहिए, यानी इस टेंशन की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी है? लड्डू है, जीरो है। तो अब बताइए हमारे पास क्या होना चाहिए? म्यू एन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। अब एन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर, यानी म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम से एम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। हमसे पूछा है वेलोसिटी, तो हम लोग एम वी स्क्वायर अपॉन आर रख करके हम लोग वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा? वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, हमसे ओमेगा पूछा है। तो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू जी अपॉन आर का अंडर रूट ये ओमेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर था। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? किसी को भी डाउट है, किसी को भी दिक्कत होगा तो आप लोग इसमें कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आकर के क्लास में क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा, वो डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 kg बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस, द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस एंड द बॉक्स इज इक्वल्स टू 0.5। इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 newton इज अप्लाइड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स विल बी। देखो भैया, सिंपल सा, एक हमारे पास बॉक्स है और इसका वेट हमें जो दिया हुआ है, 10 मास जो दिया हुआ है वो 10 kg दिया है, तो वेट काम करेगा तो 10g। अगर हमने g का वैल्यू 10 ले लिया तो कितना हो गया? 100 newton। तो नॉर्मल रिएक्शन भी हमारे पास जो आएगा, नॉर्मल रिएक्शन को r लिख लेते हैं, न्यूटन न्यूटन से कन्फ्यूज मत होइएगा। अब हमने कह दिया कि इस पर हमारे पास इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 newton, कितना न्यूटन का लगाया जा रहा है? 100 newton का फोर्स लगाया जा रहा है। तो 100 newton का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास म्यू इंटू एन इस डायरेक्शन में काम करेगा। कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस एंड द बॉक्स इज इक्वल्स टू इतना। अब हमको बताइए म्यू इंटू एन, एन ना लिख करके हम लोग आर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने रिएक्शन यहाँ पर आर लिखा है, तो हमने कह दिया कि म्यू इंटू आर होगा। अब बताइए हमारे पास नेट फोर्स कितना हो जाएगा? हमने कह दिया कि एफ नेट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं। ये एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजेंटल बात कर रहा है, तो 100 माइनस म्यू 0.5 × 100, क्योंकि एन का भी मान जो होगा वो कितना होगा भैया? एन का मान जो होगा वो, सॉरी, आर का मान जो होगा वो 100 होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब आर इज इक्वल्स टू 100 newton हो जाएगा। ठीक, तो अब बताइए हमारे पास कितना हो गया 100 में से? ये 50 50 50 newton। तो हम लोगों को एक्सिलरेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बेटा एक्सिलरेशन निकालना है, तो एक्सिलरेशन एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, ये हो गया 50। ए इज इक्वल्स टू मास कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 5 m/s². एक्सिलरेशन यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को समझने के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा था और वही रियल लॉ है, बाकी फर्स्ट और थर्ड को हम लोग उसी से डेराइव कर सकते हैं। कंसिडर अ कार मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड विद द स्पीड 72 km/h। इफ द कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज इक्वल्स टू इतना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। तो भैया इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, हम लोग या तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके करें, वेलोसिटी निकाल लें, या वर्क पावर एनर्जी से हम लोग कर लें। तो हम लोग कहेंगे, जानते हैं वर्क जो होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास पहले वेलोसिटी, देखो सबसे पहले जब ये वेलोसिटी दिया हुआ होगा 72 किलोमीटर पर आर,
ये अगर हमें वेलोसिटी दिया हुआ है तो इस वेलोसिटी को पहले चेंज करेंगे मीटर पर पर सेकेंड में, तो मीटर 72 डिवाइड इंटू में 5/18। अब हमने कह दिया कि 18 में हमारे पास 4 टाइम चला जाएगा यानी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड हमें मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए हम लोग कहें कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका हमारे पास जो वर्क डन होगा, हमसे कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। अच्छा तो हम लोगों को ये भी नहीं है ना, फ्रिक्शन फोर्स हमें फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एम जी म्यू इंटू एम जी इंटू में एक्स। तो हमने कह दिया कि म्यू इज इक्वल्स टू, देखो एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट 1/2, इसको 2 उधर ले जाओ तो वी इज इक्वल्स टू में निकालना होगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू इंटू जी इंटू एक्स, नहीं वेलोसिटी हमें दिया है ना, हमें एक्स चाहिए, हम लोगों को एक्स निकालना है, ठीक है, तो एक्स निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू में जी इज इक्वल्स टू एक्स। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर का वी स्क्वायर यानी हमारे पास 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 10। अब हमने कह दिया कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 40 मीटर, यानी x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 40 मीटर। देखो इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 4 तो ये 40 मीटर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है भाई, देखिए किसी भी ब्लॉक को हम लोग तभी तक रोक सकते हैं जब उस पर हमें कोई रोकने वाला, देखो अगर कोई मोशन कर रहा है तो उसको कोई चलाने वाला होगा, एक्सिलरेटेड मोशन, कोई चलाने वाला फोर्स होगा और कोई रोकने वाला होगा, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में। अगर रोकने वाला अगर कोई है तो हम लोग रोकने वाले को देखें और चलाने वाले को देखें। अब देखो ये ब्लॉक यहाँ पर रखा है और अगर ये कार कहीं पर भी मोशन नहीं कर रही होती तो हमारे पास इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी काम करता, ठीक, इसको रोकने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तभी आएगा जब नॉर्मल रिएक्शन आए, तो जब ये आगे की तरफ चलेगा तो इनर्सिया फोर्स काम करता है एम इंटू अल्फा, एम इंटू अल्फा, तो यही तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा इसका कॉन्टैक्ट सरफेस का, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू कितना हो गया एन इज इक्वल्स टू हमारे पास जो आया एम इंटू अल्फा आ गया, एम इंटू अल्फा, तो एम इंटू अल्फा हमारे पास मास इंटू एक्सीलरेशन। अब हमसे कह रहा है कि एम जी जो है हमारे पास एम जी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, देखो हमें कह रहा है कि हमें इक्वल टू मस्ट इक्वल टू और लेस देन के बारे में हम लोग को बात करना है, तो एम जी हमारे पास कब ये रेस्ट में होगा, एक्सिलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट विल टू प्रिवेंट द ब्लॉक फॉलिंग सेटिस्फाइज। तो हमने कह दिया कि ये जो एम जी होना चाहिए वो लेस होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो लेस या बराबर होने के लिए हम लोग क्या कहें, एम जी इज लेस देन और इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, म्यू इंटू एन के बराबर। तो हमने कह दिया कि ये एम जी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू, म्यू कितना भैया, म्यू हमने म्यू ही है और एन जो है हमारे पास कितना है एम जी के बराबर है, म्यू इंटू सॉरी एम अल्फा के बराबर है, तो एम से एम क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन म्यू, जी अपॉन म्यू से ग्रेटर देन या हमारे पास उसके बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये ब्लॉक हमारे पास रुक पाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन, फ्री बॉडी डायग्राम इसको जरूर देखिएगा और फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से मतलब ये हो जाएगा, कोई 1% का भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ए लिफ्ट एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स एक्सिलरेटेड डाउनवर्ड विद द एक्सिलरेशन ए, एक कोई लिफ्ट है, देयर इज अ लिफ्ट, ये लिफ्ट जो है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलरेट हो रहा है ए एक्सिलरेशन से। अ मैन इन द लिफ्ट थ्रो अ बॉल अपवर्ड, एक आदमी था यहाँ पर, इसने आदमी ने ऊपर की तरफ एक बॉल फेंका है जिसका एक्सिलरेशन ए नॉट है और ये कह रहा है कि ए नॉट लेस देन है, देन द एक्सिलरेशन ऑफ द बॉल ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर विच इज ऑन द अर्थ। अब देखो भैया यहाँ पर एक ठो आदमी अर्थ पर था खड़ा हुआ, ये ए एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है और इसने इसी के रिस्पेक्ट में एक बॉल जो ऊपर की तरफ फेंका है उसका एक्सिलरेशन ए नॉट है, ए नॉट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको क्या दिख रहा होगा, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसको जो दिख रहा होगा ए माइनस ए नॉट एक्सिलरेशन और वो भी किधर डाउनवर्ड, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या हो गया a माइनस ए नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर,
तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्मेट में है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है क्वेश्चन जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे लग रहा हो, और अगर डिफिकल्ट लेवल पे लग रहा होगा तो उसको एक्सप्लेन और अच्छे से किया जाएगा। आप अगले एग्जाम में या क्लास में आइएगा तो उसको और डिटेल में हम लोग बता सकते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो सब लोग हैं, सब डाउट काउंटर भी अलग से चलता है, तो उस डाउट काउंटर में भी आप लोग आकर के पूछ सकते हैं, टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक, ये देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। अब एक बात बताइए, कोई भी अगर रोटेट करेगा तो एक्सेलरेशन होगा ना? क्यों एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? हमने कहा कि डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। यानी जो अर्थ है उसका, अच्छा हम लोग अर्थ को तो सर रेफरेंस मान लेते हैं और इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। हमने कहा कि देखो उसका वैल्यू बहुत कम है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो नॉन इनर्शियल है, मतलब हमारे पास ये सही है। मतलब ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है आइडियली बोल रहा है और वो सही है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम द पार्टिकल इज जीरो। रिजल्टेंट यानी एफ नेट हमारे पास जीरो है, एफ नेट जीरो है, जीरो, देन द इंटरनल फ्रेम ओनली वन कैन श्योरली से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन के। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारे पास? जीरो हो गया। यानी दोनों हमारे पास, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट। यानी करेक्ट हमारे पास कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। इज इट क्लियर टू एवरी वन और नॉट? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड मास एम आर लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। एक रस्सी है, स्ट्रिंग लेंथ एल है एंड मास एम लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। अ फोर्स एफ अप्लाइड ऑन द इट्स एंड। मान लिया जाए कि एक हमारे पास टेबल है और इस टेबल पर एक ठो चैन है, लाई कर रहा है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड। हमने कह दिया कि इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई किया गया और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हमसे बोला है कि टेंशन कितना होगा। लाओ भाई, हमने कहा कि पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ये मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज से हम लोग कर सकते हैं, और मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज जो है ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो एफ अपॉन ए एम हो गया, टोटल मास हमसे एम कह रहा है। ठीक, अब हमने कहा कि देखो जो मास होता है, जो फोर्स यहाँ पर टेंशन होता है, या तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए हम लोग। हमने कहा यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर सकते हैं। तो हमने कह दिया कि सबसे पहले तो एल लेंथ का मास, देखो एल लेंथ का मास जो है वो एम है, तो वन लेंथ का मास क्या हो जाएगा? एम बाई एल होगा। तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा बताइए भैया? एक्स लेंथ का मास कितना होगा? एक्स लेंथ का मास हो जाएगा एम एक्स बाई एल। ये जो मास है एक्स लेंथ का है, लेकिन हमको तो मास चाहिए इसका, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल माइनस एक्स। हमने कह दिया कि एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा? एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। सर ये क्या लिखे हैं समझ में नहीं आया। हमने कहा ठीक है यार, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने कहा कि ये बताओ, आप लोग कभी कोई चीज़ खरीदने गए हो कि नहीं दुकान वकान पे? तो दुकान पे खरीदने गए होगे बेटा, तो अगर हमसे ये बोल देता है कि उसका रेट, हमसे कह रहा है कि जो 5 किलो आलू है वो 100 रुपये में मिल रहा है, तो 3 किलो आलू कितने में मिलेगा? सर थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया क्या? हमने कहा कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 33 रुपये के आसपास मतलब जो आ जाता है उसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा कि 5 किलो, एक बात बताइए, 5 किलो से कुछ नहीं, 100 रुपये में हमसे कितना मिल रहा है? 5 kg आलू मिल रहा है। तो हमने कह दिया कि भैया 1 kg जो आलू है वो कितने में मिलेगा? 100/5 यानी 20 रुपये में। तो हमने कह दिया कि 3 kg कितने में मिलेगा हमारे पास? 60 रुपये में। अरे सर ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो गांव का भी कोई बता देगा। हमने कहा कि ठीक है, अगर गांव का बता देगा तो एक बात बताइए, एल लेंथ का मास कितना है बेटा? यूनिटरी मेथड, एल लेंथ का मास कितना है? एल लेंथ का मास है एम, तो 1 मीटर का मास कितना होगा? एम बाई एल होगा। तो अब बताइए एक्स एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा? हमने कहा कि सर एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स होगा। ठीक, ये मास इतने का है, ये वाला मास हम लोगों ने निकाल लिया, ये मास कैलकुलेट कर लिया। और टेंशन जो होता है, टेंशन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू रिमेनिंग मास। तो रिमेनिंग मास इतना कितना है? हमने कह दिया कि सर ये एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स है। ठीक है,
इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक, अब बताइए हमको कि टेंशन जो टी है वो कितना हो जाएगा। ए की वैल्यू रख देते हैं, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम निकाला है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम इंटू एम बाई एल एल माइनस एक्स। अब बताओ एम से एम कट गया, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एल एल माइनस एक्स। तो ये सिंपल सा था, थोड़ा सा डिटेल में मैंने सॉल्व कर दिया। नहीं, ये नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन है, एफ एल माइनस एक्स इंटू एल। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी हमारे पास मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज का है। टू बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2 आर लाइंग इन कॉन्टेक्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल, ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द वन ऑफ द बॉडीज एज शोन इन द फिगर, द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द बॉडीज इज। अब हमने कहा कि ठीक है सर, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप एक्सिलरेशन बताइए। हमने कहा कि लो बता देते हैं, ए इज इक्वल्स टू एफ नेट, एफ डिवाइडेड बाई टोटल मास एम वन प्लस एम टू। और जब कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना होता है ना, तो एक्सिलरेशन और लास्ट वाला मास, एक्सिलरेशन और लास्ट वाले मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कह दिया कि मान लो इसमें एफ वन फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स एफ वन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, तो हमने कह दिया कि ए इंटू एम, ये कौन सा है, ये एम वन और एम टू, ये M2 हमने मान लिया कि ये M2 है, हाँ M2, ये M2 है, ये M1 है, थोड़ा डायग्राम में क्लियर नहीं था। चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये M2 लास्ट वाला मास M2 है, तो A इज इक्वल्स टू कितना है, F अपॉन M1 प्लस M2, और ये मल्टीप्लाई में हो गया M2, यानी F1 जो कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा, F2 M2 F अपॉन M1 प्लस M2। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। हमने कहा कि देखिए भाई इसका सॉल्यूशन, जिसको जो सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा, क्लासेस में आइए तो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर सॉल्यूशन बताना है, अगर हम लोग पढ़ा रहे होते, अगर थ्योरी की क्लास होती तो उसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते। कैसे डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप आइए पांडे क्लासेज में, आप आइए अपना डाउट पूछिए, आपको डाउट बताया जाएगा, टीचर्स रहते हैं, जितने भी लोग रहेंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, कितना डिटेल हो सकता है, वो सब बताया जाएगा। अब हम लोगों से ये कह रहा है, देखो ये कितना क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है। अच्छा ये बताओ, हम लोग यहाँ पर अगर खड़े हैं, आप भी जहाँ पर भी खड़े हैं या बैठे हैं, एक रिएक्शन नीचे से काम करता है और हम उसके ऊपर एक वजन नीचे की तरफ लगाते हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई, अब हमने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें इसका बनाना होगा, इस ब्लॉक का, देखो हमने कह दिया कि यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हम लोगों से ये कह रहा है एफ 50 केजी पर्सन, इसका मास कितना है 50 केजी, स्टैंड ऑन द 25 केजी प्लेटफॉर्म। हमने कहा कि ठीक है, इसका है 25 केजी और इसका हमारे पास क्या है 50 केजी। ठीक, ही पुल्स ऑन द रोप विच इज अटैच टू द प्लेटफॉर्म बाय द फ्रिक्शन लेस पुली एज शोन इन द फिगर, द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट अ स्टडी रेट इफ द फोर्स विच द पर्सन पुल्स द रोप इज। अब देखो इसमें एक चीज समझने वाली बात है, द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड्स एट स्टडी रेट। स्टडी रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी रेट, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स काम नहीं करेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग ये कहें कि इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, एक रेस्ट में होता हुआ आदमी भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है और मोशन करता हुआ बॉडी भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन मोशन यूनिफॉर्म अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब बताओ इस पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स ऊपर, देखो एक नहीं, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, तो यहाँ पर 2T काम करेगा। सर 2T क्यों, हमने कहा कि देखो भाई एक ही रस्सी है ना, तो इस रस्सी पर दो टेंशन काम करेगा, और यहाँ पर एक रिएक्शन, अच्छा ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, नीचे लगा रहा होगा कि ऊपर लगा रहा होगा, सर नीचे लगा रहा होगा, तो हमने कह दिया कि यहाँ पर जो रिएक्शन काम कर रहा है N काम कर रहा है, और इसका जो वेट काम कर रहा होगा 25G, कितना काम कर रहा होगा 25G, मतलब mg हम लोगों ने कह दिया, इतना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने कहा कि ठीक है भैया, आइए अब हम लोग बात को समझें, हमसे क्या पूछा है द प्लेट, ये हमें टेंशन टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें तो दो हमारे पास अननोन है, एक एन अननोन है, एक 2T अननोन है,
तो टी अननोन है, तो हम लोग इससे तो केवल कर नहीं सकते। हम लोग जो आदमी है उसका हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आदमी के हाथ पर टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा, इसका वेट 50g नीचे लग रहा होगा। 50g हमारे पास वेट किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। और ये जो रिएक्शन जो हमारे पास लगा रहा है वो रिएक्शन किधर लग रहा होगा, ये बताना जरूरी है हमको। ये बताइए, ये जो ब्लॉक है, ये जो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स हमारे ऊपर, मैं अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे ऊपर रिएक्शन ऊपर लगेगा ना। हाँ सर, ये तो है।